हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी ट्रेन से उतरने का टाइम हो चुका है। इट्स 4 AM एंड इट्स फर्स्ट टाइम मेरी ट्रेन में मॉर्निंग हो रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर गरिमा। इफ यू आर न्यू हेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, आई एम नीट PG एस्पिरेंट एंड आई एम FMG स्टूडेंट। सो वी आर एट जयपुर। अब तो देख के पता लग ही गया होगा। यस, एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग जयपुर। बहुत ज़्यादा क्योस जो भी बोलते हैं, क्योस, यस क्योस बोलते हैं, तो हो चुका था मेरी लाइफ में नीट PG पोस्टपोनमेंट, फालतू की चीज़ें, नो स्टडी। तो सोचा क्यों ना पहले एक ट्रिप मारा जाए। सो आई एम हेयर इट इज एंड दिस इज हवा महल आई एम विजिटिंग फर्स्ट टाइम एंड दिस इज 5 AM जो मैं हवा महल देख रही हूँ। एंड सुबह के 5 बज रहे हैं और ये पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा कि किसी शॉप में मैं इतनी भीड़ देख रही हूँ। और वहाँ से हमने खाई कचौरी, राजस्थान आओ और कचौरी न खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और फिर हम गए सनराइज देखने के लिए, आवर फर्स्ट प्लेस टू विजिट बिकॉज ऑफ जस्ट सनराइज, क्योंकि मुझे देखना था कि सनराइज ही देखते हैं सबसे पहले। एंड आई एम गोइंग टू द नाहरगढ़ फोर्ट, पहाड़ पे लेट्स गो। जो मैं बहुत ज़्यादा रुकी हूँ बार बार, क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी वॉक करने की, और हर थोड़ी थोड़ी देर में फिर मैंने स्टॉपेज लिया है हर फर्स्ट राउंड में। शीश महल सनराइज पॉइंट कितना प्यारा लग रहा था ना सूरज उस टाइम पे, क्योंकि ठंड थी उस टाइम पे राजस्थान में, मतलब मॉर्निंग में तो हर जगह ही ठंड होती है। आई एम गोइंग अपवर्ड्स नाहरगढ़ फोर्ट को 1734 में बनाया गया था, और ये बनाया था महाराजा सवाई जय सिंह ने, और जो थे किंग ऑफ जयपुर। ऐसे तो कोई बनाएगा नहीं, किंग ही होगा कोई, तभी बनाया उन्होंने। ये बनाया गया था लाइक फॉर अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिंग फॉर द सिटी। और ऐसा मानते हैं कि जो यंग प्रिंस था, जो महाराजा जय सिंह का बेटा था नाहर सिंह भूमिया, वो अभी भी उनकी आत्मा, मतलब बोलते हैं ऐसा बोला जाता है कि अभी भी इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इश्यूज। एंड दिस इज द इनसाइड वे ऑफ द नाहरगढ़ फोर्ट। टाइम नहीं हुआ था, हम पहुंच गए थे 8 बजे और ओपन होना था 10 बजे, सो हम अंदर नहीं गए, नहीं जा पाए, क्योंकि फिर हमें और भी प्लेसेस विजिट करने थे। और वहाँ का व्यू बहुत प्यारा है सीरियसली, ऊपर से जब नीचे देखते हैं बिल्कुल छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिखती हैं जैसे फ्लाइट में दिखती हैं, ऑफकोर्स बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद होटल एंड दिस इज माई रूम एंड दिस इज फर्स्ट टाइम जहाँ, मतलब मैं होटल में स्टे कर रही हूँ, मैंने कभी होटल में स्टे नहीं किया एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। हेयर इज द बेड एंड दिस इज अलमीरा। इसके अंदर हमें प्रोवाइड किया गया था 2 कप्स और पानी वाटर, मतलब गर्म करने के लिए जो कैन था, कैटल थी, वो दिया गया था, और कॉफ़ी बनाने के कुछ सामान था। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं वॉशरूम कैसा है। ठीक था, क्लीन था, नॉर्मल था, कुछ मतलब ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं था, नॉर्मल सा रूम लिया था हमने। और फिर मैंने बनाई कॉफ़ी अपने लिए और मेरे को मिला था टूटा हुआ कप, तो मैं नहीं पी पाई थी उसको क्योंकि वो लीक कर रहा था। फिर मैंने दोबारा दूसरा कप मंगवाया और फिर कॉफ़ी बनाई और उसके बाद फिर पिया कॉफ़ी पी, फिर थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़े टेलीविज़न देखा, फ्रेशन अप हुए, नहाए धोए, सब काम किया, फिर रेडी हुए बाहर जाने के लिए। और गेट रेडी विद मी, आप मेरा इंस्टाग्राम पे देख लेना, इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमने बोरो की एक्टिवा
और फिर वहाँ पे वहाँ से हम गए लस्सी वाला पे, द फेमस लस्सी वाला, वहाँ की लस्सी पी। बट सब बोलते हैं लस्सी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है, जाके पीना। मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उससे अच्छी तो मैं बना लेती हूँ। और फिर हम गए जल महल और मैंने कुछ क्लिक्स कराई पिक्चर्स राजस्थानी ड्रेसिंग में। और मेरा मन, मैंने पहले ही सोच रखा था अगर मैं जाऊंगी तो ये पिक्चर मैं ज़रूर क्लिक कराऊंगी। बहुत प्यारा लग रहा है, इतना सूदिंग रिलैक्सिंग लगता है वहाँ बैठ के। आई लव द व्यू, आई लव द लाइक वाइब देयर रियली। वहाँ पे अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है जल महल में, सो हमने बाहर से ही देखा। वहाँ पे हमने बाहर ही थोड़ा खाना पीना किया, क्योंकि सुबह से सिर्फ वही कचौरी खा रखी थी, कुछ नहीं खाया था, और कॉफ़ी पी थी फिर। सो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। फिर हमने वहाँ रुक के थोड़ी पिक्चर्स भी क्लिक कराई, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हो। रील्स इंस्टाग्राम जो भी है, मतलब पिक्स जो भी है, वो आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पे बहुत भीड़ थी, ऐसा लाइक पहाड़ पे ही चढ़ना था, वो भी एक्टिवा पे। मैं कभी नहीं चढ़ी थी पहाड़ पे, वो भी एक्टिवा पे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, रियली ऐसा लग रहा था बस अब भी बैक जाएगी स्कूटी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और आपको मेरी रील्स और पिक्स अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ तो वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मे बी आपको फील हो रहा हो कि मेरी वॉइस थोड़ी अजीब सी हो रखी है। और अब हम कर रहे हैं एंट्री आमेर फोर्ट में। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा फॉरनर्स, लाइक 20% फॉरनर्स थे और 80% इंडियंस थे। अच्छा तो लग ही रहा था, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके हिस्ट्री का पता लगता है, काफ़ी चीज़ें पता लगती है, अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ है। और फिर हमने की एंट्री, अंदर ही अंदर नहीं था ये, बाहर आउटसाइड एरिया था। अंदर जाने के लिए हमें टिकट लेनी थी। फॉरन टूरिस्ट टिकट प्राइस वॉज 800, फॉरन स्टूडेंट अबाउट 100, फॉरनर टूरिस्ट 1000, वैलिड फॉर 2 डेज फॉर ऑल प्लेसेस। अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है स्टूडेंट कार्ड से, तो आपको ज़्यादा पे, मतलब टिकट के लिए पे नहीं करना पड़ता है, काफ़ी मतलब हैंडी और कह सकते हैं ईजी ट्रैवल हो जाता है हमारे लिए। और फिर हमने वहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कराई,
वो आप इंस्टाग्राम पे देख लेना। आमेर फोर्ट जो है इसकी आर्टिस्टिक स्टाइल एलिमेंट्स की वजह से जाना जाता है, काफ़ी फेमस है ये। और ये इनके जो मतलब इसके सामने जो बाहर की तरफ लेक है वो, उसकी वजह से बहुत अच्छा व्यू आता है। अगर हम ऊपर से देखें, जहाँ भी मैं दिखा रही हूँ वहाँ से देखें, और जब रिवर दिखती है ना, एक तरह से लेक टाइप दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये इनसाइड व्यू है आमेर फोर्ट का। और आमेर फोर्ट को बनाने में लगभग 25 ईयर्स लगे थे, और ये 1599 में बना था। और ये बनाया था राजा मानसिंह जी ने, मतलब इस पे राज किया था जो भी है, वट एवर, लाइक 1589 से 1614 में राजा मानसिंह रहे थे इस पैलेस में। और एक टनल जाती है 2 किलोमीटर के अराउंड, जो जाती है आमेर फोर्ट से लेके जयगढ़ फोर्ट तक। वहाँ पे मोस्टली डार्क एरिया रहता है, टनल है तो डार्क ही होगा ऑफकोर्स। सो अगर आप वहाँ जाओ तो आप ज़रूर देख सकते हो। और मैं ये लेक की बात कर रही थी जो आपको दिख रहा, अभी आपको दिख रहा है। और माना जाता है, मतलब ऐसा बोलते हैं, गाइड होते हैं कि जो ये प्लेस दिख रहा है यहाँ पे, मतलब राजा जो थे उन्होंने लाइक केसर उगाने की कोशिश की थी, ऐसा कुछ हिस्ट्री बताते हैं। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया था, अनफॉर्चुनेटली। और फिर हम गए ऊपर की तरफ आमेर फोर्ट में, दीवाने खास में। यही साथ में ही शीश महल है इनके, दीवाने खास के। और यहाँ पे मिर्जा राजा जय सिंह जी ने मतलब कंस्ट्रक्ट करवाया था। और यह है शीश, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। ये इनसाइड व्यू है। वापिस आए और फिर हमने खाया आमेर फोर्ट के बिल्कुल फ्रंट वाला कैफ़े में खाना। कुछ खास नहीं खाया, सिर्फ स्नैक्स खाए थे। और उसके सामने बोल रहे थे कि द लाइट वाटर एंड लाइट शो होता है वो दिखेगा, बट कुछ खास नहीं दिखा था। और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसके बाद, और मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद हो चुका था। और मैं चार्जर लेके जाना भूल गई थी, वो रूम में रह गया था बैग में, सो मैं नहीं चार्ज कर पाई। और अब तक फर्स्ट डे मेरा कंप्लीट होता है आमेर फोर्ट के लास्ट व्यू से। आई होप यू लाइक दिस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।